तो हेलो एंड वेलकम बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं जो आपका है एक्सरसाइज 2 का A, यानी हम फ्रैक्शन शुरू कर रहे हैं। इसमें आपका चलेंगे एक्सरसाइज 2 का 1। तो इसमें जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो कंपेयर द फ्रैक्शन है, मतलब फ्रैक्शन को कंपेयर करना। देखिए, हमने जो इंट्रो है फ्रैक्शन का, उसमें बहुत अच्छे से बताया है, और उसके बाद सेकेंड वीडियो लाया था सेकेंड इंट्रो का, वो भी देख लीजिएगा। एक थर्ड पार्ट है जो जिसमें कंपेयर बताया गया है लाइक फ्रैक्शन, सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन, चेंजिंग भी बताया है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन भी बताया है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी बताया है, उसमें एक तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला है कंपेयर द फ्रैक्शन, मतलब इसमें हम पता करेंगे कि कौन सा हमारा बड़ा है कौन सा छोटा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। यहाँ पर है मेरा 5/8, उसके बाद है 7/12, ठीक है। इसमें हमको पता करना है कि कौन सा मेरा बड़ा है और कौन सा छोटा है। देखिए, हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। एक तो मेरा लाइक फ्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन में होता क्या है कि हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं और न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से पता कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है मल्टीप्लाई, तो हम चलते हैं मल्टीप्लाई के थ्रू, ठीक है। तो 7 का अगर हम मल्टीप्लाई 8 में करते हैं, ठीक, और 12 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करते हैं, तो पहली बात हमें ये पता रहना चाहिए कि ये वैल्यू यहीं पर चली जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पर चलाएगा। तो 12 पंचे मेरा हो जाएगा 60, 8 सते हो जाएगा मेरा 56। तो इस तरीके से पता चला ये जो 60 है, ये कहीं ना कहीं इन सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब 5/8 मेरा 7/8 से बड़ा है, ठीक है। तो ये मेरा 5/8 जो है, 5/8 बड़ा हो जाएगा 7/12, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गई कि हमको कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम इसको दूसरे तरीके से कैसे पता करें कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो चलिए दूसरा भी तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 5/8 एंड 7/12, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं भैया, हम सीधा सीधा इनका जो डिनोमिनेटर है इनको सेम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई 3 कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर दें, तो 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24 आ जाएगा। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2, तो 5 15/24 हो जाएगा और 7 2 14/24 हो जाएगा। तो ऑलरेडी ही लग रहा है कि यही बड़ा है, तो इसका मतलब मेरा फाइनल पता चल गया मल्टीप्लाई के थ्रू भी, ठीक है। तो ये पता चल गया, चलिए तो बड़ा पता चल गया ना, 5/8 ही बड़ा है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये मेरा हो गया है फर्स्ट इसका। चल अब इसमें चलते हैं सेकंड में, चेक करते हैं कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर है 5/9 एंड 11/15। तो भैया 15 का गुणा 5 में करते हैं और 11 का गुणा 9 में करते हैं, तो 11 नवा मेरा कितना आ जाएगा भैया, 99, और 15 बजे 75 आ जाएगा। तो मेरा बड़ा कौन सा हो जाएगा, 11/15 अपेक्षा 5/9 के ये मेरा बड़ा हो जाएगा। तो फाइनल मुझे पता चल गया कि 11/15 बड़ा है। कैसे बड़ा है, हमने चेक किया है कि यहाँ पर 99, यहाँ पर 75 है, तो 99 वाला बड़ा होता है 75 से। तो फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है। तो 11/15 आपका बड़ा है। चलिए अब बच्चे और जल्दी से लगाइएगा आप लोग, हम जान चुके हैं कि आप लोग अब लगाना भी अच्छे से सीख चुके होंगे, ठीक है, इतनी बार बता भी चुके हैं। अब बचा है 11/12 और 15/16। तो हम पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर हम 12 का गुणा 15 में करते हैं तो कितना आएगा मेरा, ठीक है। अगर हम यहाँ 12 लिख देते हैं, हम गुणा 15 में करवा दें, तो 15 दूना 30, तो 15 का 15 3 18, 180 आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, 180। और 16 का गुणा 11 में करवाते हैं, 16 का गुणा 11 में करवाते हैं, 11 छक्का 66, 11 1 11 और 6 15, 156 आ गया मेरा। तो मुझे लग रहा है कि कौन सी संख्या मेरी बड़ी है, तो यही 15/16 मेरा बड़ा है। तो इससे मुझे फाइनल पता चल गया कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये मेरा 15/16 ही बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में 156 आया है और यहाँ पर 180 आया है। 15 का गुणा अगर 12 में करेंगे तो आप ऐसे कर लीजिए, 15 दूना 30 करेंगे, 3 आ जाएगा, और 15 1 का 15 3 18 180 तो आएगा ही ना, तो क्लियर है ये बड़ा हो जाएगा।
अगर आपको बच्चों की तरह करना है तो 16 का गुणा भी 11 में कर लीजिएंगे, तो 1 छक्का 6, 1 एक का 1, ठीक है फिर वही आएगा, तो 6 1 7, 100, अच्छा 176 आ रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं। 1 का गुणा 6 में करने पर 6, 1 1 का 1 ही, 1 छक्का 6 और 1 1 का 1, 6 6 1 7, 1 1, ठीक है हाँ ठीक है। तो यहाँ पर एक जगह गलती की थी क्या हमने, 11 छक्का 66 के 6 और 1 लगा, सॉरी 6 लगा और 11 1 का 11 6 17 होगा, ठीक है 176 आएगा यहाँ पर बच्चों, ठीक है 176 आएगा, लेकिन फिर भी आपका बड़ा यही रहेगा 15/16 ही, ठीक है तो फाइनल चलते हैं, पता चल गया इसमें कौन सा बड़ा रहेगा, 15/16 ही, ठीक है चलिए इसको इरेज करते हैं। हाँ कंपेयर फ्रैक्शन हो गया आपका, अब इसमें आते हैं अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों, वो बढ़ते क्रम में कैसा होता है, बढ़ते क्रम में एक स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी, ये छोटे से बड़ा, फिर छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यही होता है मेरा सिंपली असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, पहला मेरा ये है भैया 3/4 है, उसके बाद 5/6 है, 7/9 है, 11/12 है, ठीक है। हमको इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अरेंज करने के लिए सबसे पहली बात ये है कि हम इनके डिनोमिनेटर, ये मेरा ऊपर वाला न्यूमरेटर है जिसे हम अंश कहते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर जिसे हम हर कहते हैं, तो हमको डिनोमिनेटर को सेम करना है यानी इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हमें क्या है, ऐसा कौन सा संख्या लग रहा है, अगर नहीं पता चल रहा है तो हम एलसीएम के थ्रू निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, अगर नहीं पता चल रहा है तो दिखाई दे ही रहा होगा आपको, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 4 6 9 और 12 का, ठीक है 2 से काटते हैं, 2 2 के 4, 2 3 6 9 के 9 और 6 2 12, 2 6 के 12 हो जाएगा, फिर 2 से काट देते हैं, तो एक बार 3 से काटते हैं, ठीक है 2 ये 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 2 के 6, तो मेरा 2 से 1 बार कट जाएगा, 1 और बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया मेरा 3 × 3, 3 1 है, 3 1 है, 2 × 2, तो 2 2 4, 12, 12 2 24, 12 3 36 आ जाएगा मेरा, ठीक है जो एलसीएम आएगा मेरा 36 आ जाएगा, ठीक है इस तरीके से आपका हो जाएगा ये एलसीएम। अब मुझे क्या करना है, या तो आप प्रत्येक में भाग देकर यहाँ पर फाइंड कर लीजिए, या फिर आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट देखता हूँ 4 का गुणा 9 में करूँगा तो 9 चौक 36, 6 का गुणा 6 में 6 छक्का 36, 9 का गुणा 4 में 9 चौक 36 और 12 का गुणा 3 में, तो 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी सेम आ रहा है, तो जो जो संख्या हम डिनोमिनेटर में किए हैं मल्टीप्लाई वो भी ऊपर भी कर देंगे, तो × 3 × 4 × 6 × 9, ठीक है तो 9 3 27/36 आ ही जाएगा आपका, और उसके बाद क्या है 6 5 30/36, ठीक है 7 4 28/36, 11 3 33/36, लेकिन आपका अब आपका दिमाग चल रहा होगा कि आपने जो डिनोमिनेटर है इसको सेम तो कर दिया, लेकिन पता कैसे करेंगे कि हमको अरेंज क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हम ये चेक करते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो सबसे लास्ट में जाएगी और सबसे छोटी संख्या जो है पहले आएगी, और सबसे छोटी के बाद फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर थोड़ी सी बड़ी, इस तरीके से लगाते जाएंगे, तो चलिए देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो फाइनली 27/36 है, तो हम देखते हैं इनसे बड़ा कोई नहीं है, तो इसको पहले रखते हैं, तो 9 3 27, तो ये मेरा 3/4 पहले आ जाएगा, 30/36 है तो 5 36, ये तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा है, इससे पहले ये आएगा 28/, तो 7 4 28 यानी इससे बड़ा आपका 7/9 आ जाएगा, उसके बाद 30/36 है तो 5/6 आ जाएगा, उसके बाद 11/12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका था, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, बढ़ते क्रम में है, इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यही मेरा क्या हुआ करेक्ट आंसर हो गया, यानी इसमें सबसे पहले कौन सा मेरा 3/4 है, उसके बाद कौन सा है 7/9 है, उसके बाद 5/6, उसके बाद 11/12 जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है।
तो ये पता चल गया है, चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक, अब अगली वैल्यू पर आते हैं आपके। सेकंड है, इसमें क्या है भैया, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, 4/5 है, 7/10 है, 11/15 है और 17/20 है। इसमें चेक करते हैं कौन सी वैल्यू मेरी, सॉरी पहले इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, यानी जो हर हैं उनको बराबर करके डायरेक्टली हम फाइंड कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि मेरा बराबर हो जा रहा है 60 पर। ठीक है, या तो आप एलसीएम निकालेंगे फिर भी 60 आएगा, तो 60 करने के लिए हम क्या करते हैं, 20 का गुणा 3 में करते हैं, 15 का गुणा 4 में करते हैं और 10 का गुणा 6 में करते हैं और 5 का गुणा 12 × 5 = 60 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि वहाँ पर पता चलता रहे। 4/4 का गुणा 12 में करते हैं, क्योंकि जो जो संख्या नीचे की है वही वही ऊपर करना है। और यहाँ पर है 7 का गुणा 6 में करेंगे और 11 का गुणा 4 में करेंगे और 17 का गुणा 3 में करेंगे। दिखाई तो दे रहा होगा मुझे लगता है, नहीं तो हम इधर थोड़ा सा बता देंगे। तो 12 चौक 48 हो जाएगा मेरा और 7 छंग 42 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 11 चौक 44 हो जाएगा और 17 दूना 54, 17 तेरे 51 हो जाएगा। सभी के बटे में कितना है मेरा, 60 है। तो अब पता चल रहा है कि मेरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर पता चल रहा है क्योंकि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, तो सबसे छोटा तो 42 वाला है, तो 7 यानी मेरा सबसे छोटा ये आ जाएगा, 7/10। उसके बाद कौन सा है, 44 वाला, तो 11 चौक 44 यानी ये 11/15, 11/15 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा है, 48, तो 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48 यानी 4/5, 4/5। हाँ, उसके बाद मेरा बच रहा है ये सबसे बड़ा है जो 17/20। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, अरेंज करने का तरीका ये है कि इससे बड़ा हम ये दिखाएंगे, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। ठीक है, तो 7/10 सबसे छोटा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा 11/15 है, उससे थोड़ा बड़ा मेरा 4/5 है, उससे थोड़ा बड़ा 17/20 है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे सभी बड़े वैल्यू पता हो गए हैं, असेंडिंग ऑर्डर मेरा लग चुका है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये भी समझ में आ गया होगा आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेरा। अभी तक हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, लेकिन अब हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, तो देखिए 3/4 है, उसके बाद है 7/8 है, उसके बाद है 7/12 है, उसके बाद है 17/24 है। ठीक है, अब हम ऐसा क्या करें, सभी का जो डिनोमिनेटर है सेम हो जाए, तो एलसीएम लीजिए या तो डायरेक्ट करिए, हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो 12 का गुणा हम कर लेते हैं 2 में, 8 का गुणा 3 में और 4 का गुणा 6 में, 6 चौक 24 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। ठीक है, और 12 दूनी 24, तो जितने का मल्टीप्लाई नीचे किए हैं उतने का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, तो × 6 × 3 × 2, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, तो फाइनली सब मिला लेते हैं ना भैया, सब सेम है, तो 6 × 3 = 18 बटा क्या आ जाएगा मेरा, 6 चौक 24 और यहाँ पर 7 × 3 = 21/24, 7 × 2 = 14/24 और 1 = 17/24। ठीक, अब इसमें हमको क्या करना है भैया, घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा वाला पहले लाना है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन लग रहा है मुझे, 21/24 लग रहा है, तो हम 21/24 लिखते हैं। उसके बाद कौन सा है मेरा, 18/24 है, 18/24 है,
उसके बाद 17/24 है, एंड देन 14/24 है। अब हम चेक करते हैं इसमें कौन सी संख्या है, ताकि ये देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 6 * 18 यानी ये मेरा 3/4 यहाँ पर आ गया, 7 * 21 7/8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और मेरा कौन सा है 17, हाँ 17/24 तो ऑलरेडी है ही, और बचा मेरा 7/12, ठीक। तो यहाँ पर पता चल गया कि इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, ठीक है। यानी इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा यानी सबसे बड़ा ये है, उसके बाद छोटा 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 छोटा, ठीक। तो इस तरीके से हमने पता कर लिया कि मेरा जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब घटते क्रम में है, तो सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो यही तरीका था लगाने का, ठीक है। तो आप डिनोमिनेटर सेम करिएगा और डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, हाँ। और दूसरा तरीका है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का भी मतलब वही होता है कि डिनोमिनेटर सेम, ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। तो ये तो हो गया, इसका आंसर आपको मिल गया। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं आपके सेकेंड में, इसमें क्या है भैया, 2/3 है, 3/5 है, 7/10 है, और 8/15 है, ठीक है। अब इसमें हमको चेक करना रहेगा कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। इसके लिए हमने क्या बताया है कि डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका, अच्छा, आपको एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। एलसीएम के थ्रू एक बार कर लें, क्योंकि हमने बहुत डायरेक्टली बताया। अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो ऐसे देखिए 30 कर सकते हैं क्या, सभी का तो हो जाएगा 30, ठीक है। ऐसे चेक कर दें, 15 * 2 = 30 हो जाएगा, 10 * 3 = 30 हो जाएगा, और 5 * 6 = 30 हो जाएगा, और 30 * 10 = 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी तरीका है, अगर नहीं चाहते आप तो एलसीएम ले लीजिए भैया, 3, 5, 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। पहली बात हम 5 से काटते हैं, 5 * 1 = 5, 5 * 2 = 10, 5 * 3 = 15, ठीक है। अब 3 से काट लेते हैं, 3 * 1 = 3, 3 * 1 = 3, 2 से काट लेते हैं, 2 * 1 = 2, तो 3 * 2 = 6, 5 * 6 = 30 वैसे भी आ जाएगा। और डायरेक्टली आप फाइंड करना चाहते हैं फिर भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 आ गया, ये आ जाएगा मेरा 6 * 5 = 30, 30 तो वैसे भी आ जाएगा, 30 तो करना ही था, ठीक है। तो फाइनली ये पता चल गया आपका। अब चलते हैं मल्टीप्लाई, भाई जितना नीचे वाले डिनोमिनेटर में करेंगे उतना ऊपर भी करेंगे, तो डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हैं, 2 * 10 * 6 * 3 * 2, तो ये मेरा हो जाएगा 20/30, 18/30, 21/30, 16/30, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा मेरा है, 21/30, 21/30, उसके बाद कौन सा है 20/30, 20/30, 18/30, 18/30, उसके बाद 16/30। अब इसमें चेक करते हैं कौन सा है, तो 21 = 7/10, और कौन सा है 20 * 10 = 2/3 है मेरा, और कौन है 18 * 3/5 है, और कौन है 8/15। तो भैया मुझे पता चल गया कि सबसे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा, सॉरी, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये मेरा हो गया जो 16/30 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर भी, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं भाई इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। रेनो गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल, वाइल जबकि सोनल गॉट 4/5 पार्ट ऑफ इट, और जो सोनल है वो कितना प्राप्त की है एक सेब का भैया, 4/5 है। इसमें कहा है हु गॉट द लार्जर पार्ट, किसके पास लार्जर पार्ट है यानी बड़ा पार्ट है, बाई हाउ मच, कितना, ठीक है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कौन सा बड़ा वाला भाग है, ठीक है। 2/7 और 4/5 में चेक करते हैं कौन सा बड़ा पार्ट है। तो हम मल्टीप्लाई के थ्रू चेक कर लेते हैं आपका, 5 × 10 और 7 × 28, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि बड़ा वाला भाग किस में है भैया, ये है 4/5। तो 4/5 किसके पास है, सोनल के पास, तो बड़ा वाला पार्ट इनके पास है। लेकिन कितना है इसको पता करने के लिए हमें क्या करेंगे, 4/5 में से माइनस कर देंगे 2/7, ठीक है। तो सेम करेंगे पहले फ्रैक्शन, तो यहाँ पर गुणा 7 करते हैं, यहाँ पर भी गुणा 5 करते हैं, यहाँ पर भी गुणा 5 और यहाँ पर भी गुणा 7 × 28 बटा में आपका आ जाएगा 35 और 5 × 10 माइनस बटे में 35, तो 28 में से 10 जाएगा तो 18/35 भाग आपका बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। 18/35 भाग इतना बाई हाउ मच जो कहा है, इतना भाग इनका बड़ा है। तो सबसे बड़ा भाग किसका है, 4/5 सोनल।